एक सवाल माफी चाहूंगा उसके लिए, आउट ऑफ सिलेबस ही है लेकिन मैंने बोला था ना कि दूसरा सवाल क्या है, बोलिए। लेकिन मुझे लगता है पूछना बनता है कि हाल ही में विवेक ओबेरॉय ने कल एक ट्वीट किया था और एक मीम बनाया था एग्जिट पोल को लेकर, जिसकी इट वाज वेरी शेमफुल, इट्स एज सिंपल एज दैट। ही शुड हैव नॉट डन दैट, इट्स नॉट कूल टू डू दैट, एब्सोल्युटली नॉट कूल टू डू दैट। दैट्स ऑल, लेट्स मूव ऑन। ईशा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? I mean, it just shows your mentality, especially if you're getting a minor involved. I think it's very, it's not in good taste at all. But it just shows how he is not, it doesn't reflect on what others are. And that's all I like to say. But it was, like he said, shameful. Maafi sahit, Anupam ji. Sorry? Maafi sahit, maafi mangte huye ye sawal maine poocha. Aapne bola tha out of syllabus mat poochna. Nahi. Jo ye to baat jo sach hai, jo uske baare mein bolna zaruri hota hai. Because I think it was in poor taste. Yes. पिक्चर के बारे में बताना चाहूंगा पहले तो मैं आपको, जस्ट बिकॉज अब अगली सीट पे बैठे हो मतलब इसका फायदा उठा रहे हो। अच्छा, जैसे तुम्हें याद ही नहीं था, पूरी शक्ल पे लिखा हुआ मोदी जी। नहीं, आई थिंक इट्स वंडरफुल। यस सर, कुछ आपने ऐसे हाथ खड़ा किया या मतलब? अच्छा, इफ देर आर नो क्वेश्चन वी आर हैप्पी टू बी हैप्पी लाइक दैट। हेलो अनुपम सर, दैट्स अ गुड सिचुएशन। यस सर, दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी। हां जी, ऑफ कोर्स रवि जी, कैसे? अनुपम सर, लीगल सिस्टम के बारे में फिल्म है, उसका बैकग्राउंड ये है, लीगल सिस्टम कैसा है। एक रिटायर्ड जज को बाद में पता चलता है कि उसने कुछ गलत डिसीजन दे दिए, लेकिन अगर हम देश के हालात की बात करें तो पूरे देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। yes. लोगों को न्याय नहीं मिलता है और गरीबों को तो बिल्कुल न्याय नहीं मिलता है। yes. हमारा लीगल सिस्टम बहुत ही खराब है। yes. तो उस पूरे लीगल सिस्टम के बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अकॉर्डिंग टू मी। हमारे यहाँ इतने सारे, जैसे कि आपने इतने सारे केसेस बताए, इतने सारे केसेस जो हैं कुछ तो अदालत में आते ही नहीं है। कुछ लोग जेलों में पड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास वकील तक नहीं है हायर करने के लिए। So the this is also, this will reflect a system which needs to be but sab theek hi ho jayengi cheeze, mujhe lagta hai, but hamara legal system is I think we are still following the British system, British judiciary system. We need to change that. We need to appoint many more judges, much many more judges than they are right now. And judge ko aisa nahi ki retirement ke baad pata lagta hai, जज को पता होता है कि, बट इट्स अ टेक्निकल थिंग, इमोशनली यू कांट गिव जजमेंट। द जज इज, जजमेंट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द सबूत और ये सब चीज़ों के ऊपर। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज दैट। अनुपम सर, आपने बताया कि 515वीं फिल्म है ये आपकी, आपने हॉलीवुड में भी फिल्में की हैं, सीरीज भी की हैं वहाँ पर, और लगातार आप फिल्में इतने 40-35 साल से सक्रिय हैं सारान से। अब जब आप एक्टिंग करने के लिए जाते हैं सेट पर, तो वो एक चीज़ वो क्या है जिसके लिए आप वो स्ट्राइव करते हैं अपने करियर में, जब भी आप घर से निकलते, वो क्या चीज़ अब भी आप पाना बाकी है आपके लिए? एवरी डे नाउ व्हेन आई गो टू वर्क आई टेल माई सेल्फ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एक्टिंग। That is the only way. That's why Isha said that that's the only way. हम सब अपने अपने ज्ञान के तले दबे रहते हैं, और जब तक अपने ज्ञान के तले दबे रहेंगे नया कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा ये सोच के जाता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जो भी साथ में होते हैं, हम अपनी, मैंने बताया ना, अपनी सीनियोरिटी वजह से फंस जाते हैं। पर अगर आप ये जान के चलें, एक सीन था मेरे दो दोस्तों का यहाँ पर, व्हेन वी वर डूइंग दैट, मैंने अशोक को कहा, मैंने कहा यार ये मुस्कुरा रहे हैं सीन के वक्त, तो अशोक ने कहा कि बिकॉज उनका कैरेक्टर है मुस्कुराने वाला। तो बड़ी जल्दी से, आसानी से जवाब मिल गया। आई थिंक व्हेन यू आर रेडी टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी एल्स, देन आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। एक सवाल माफी चाहूंगा उसके लिए, आउट ऑफ सिलेबस ही है लेकिन मैंने बोला था ना कि दूसरा सवाल क्या है, बोलिए। लेकिन मुझे लगता है पूछना बनता है कि हाल ही में विवेक ओबेरॉय ने कल एक ट्वीट किया था और एक मीम बनाया था एग्जिट पोल को लेकर, जिसकी इट वाज वेरी शेमफुल, इट्स एज सिंपल एज दैट। ही शुड हैव नॉट डन दैट, इट्स नॉट कूल टू डू दैट, एब्सोल्युटली नॉट कूल टू डू दैट। दैट्स ऑल, लेट्स मूव ऑन। ईशा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर?
I mean, it just shows your mentality, especially if you're getting a minor involved. I think it's very, it's not in good taste at all. But it just shows how he is not, it doesn't reflect on what others are. And that's all I like to say. But it was, yeah, it was, like he said, shameful. Maafi sahit, Anupam ji. Sorry? Maafi sahit, maafi mangte huye ye sawal mein ne poocha. Aapne bola tha out of syllabus mat poochna. Nein. Jo ye to baat jo sach hai, jo uske baare mein bolna zaruri hota hai. Because I think it was not, it was in poor taste. Yes. Thank you, sir. देखिए ऑल और जो कलाकार हैं उनसे रेफरेंस नहीं लिया क्योंकि जो मेरे डायरेक्टर है वो उनका नजरिया है वो मतलब दिस फिल्म इज हिज बेबी अशोक सर बेबी तो क्या होता है हर डायरेक्टर का एक अपना व्यू होता है सर ने हमारा एक जो रेफरेंस था ऑफकोर्स सर ने मुझे एक दो हरियाणवी जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनसे मिलवाया ताकि समझ में आए उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है बहुत ही अलग बॉडी लैंग्वेज होती है और नॉर्थ की स्पेशली ना थोड़ी जो वहाँ की औरतें भी होती है ना वो किसी मर्द से कम नहीं होती और आई थिंक वो ये पुलिस ऑफिसर भी वैसी है एक अंदाज होता है बात करने का वो आई थिंक कुछ भी आप बोले फिल्म को और इस कैरेक्टर को लेके मेरे लिए स्पेशली मैं बोलूँगी जो भी प्रिपरेशन गई है वो सब अशोक सर के साथ बैठ के हमारे डायलेक्ट मुझे एक सिखाते थे कि कैसे बोलना है क्या अंदाज होना है एक उसकी राठी की एक जनरल नेचर क्या है सकास्टिक है मगर वो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेती है मगर वो होता है ना कंबल में लपेट के मारना डंडों से भी मारा है उसने मगर जब वो बात करती है उसका अंदाज ऐसा है कि वो प्यार से बोलेगी मगर आपको पता है कि वो नीचे से आपको थप्पड़ मार रही है तो वो सब जो है किसी एक्टर से नहीं बट वो सर से सिखाया सर के सारे रेफरेंसेस थे क्योंकि इन्होंने पूरा होमवर्क करके बैठे थे कि वहाँ पे जैसे मैंने बोला हरियाणा बहुत अलग है मैं पंजाबी हूँ बट एक हरियाणा और पंजाब की डायलेक्ट इतना अलग है कि मैं नहीं बोल पा रही थी तो सब क्या सब आई थिंक शायद सबको सर को जाता है हेलो पूजा नवाथे फ्रॉम इंडिया न्यूज़ हेलो मेरा सवाल अनुपम जी से है सर आउट ऑफ सिलेबस है सॉरी 23 तारीख को गवर्नमेंट अनाउंस होंगी तो आने वाले गवर्नमेंट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं इस देश में वेल आई थिंक वी ऑलवेज यूज्ड टू ड्रीम अबाउट वन डे वी विल हैव अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट वन डे वी विल हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु विल ओनली टॉक अबाउट द डेवलपमेंट इन द कंट्री वन डे वी विल हैव not to give any bribe to anybody to get our student children admission. One day that happens, and I think one day has come. And that's what I will say, and I think they are doing a great job. Main abhi Kiran ke prachar ke liye Chandigarh gaya hua tha, and I discovered, main jab colonies mein, bahar ke, shahar ke bahar ki colonies mein gaya tha, you know what I was amazed and surprised, not surprised, so happy about that the young generation does not believe in jat, paat, ameer, gareeb, ye is jati ka hai, wo is jati ka. They are only thinking about taking India to another level. And that is, I think, what we need to expect and that's what's going to happen. At least the exit polls say that. Yes, please. Isha ji, hi. आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस फॉर द मूवी ट्रेलर वाज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग मेरा सवाल आपसे ये ईशा जी सिंस यू आर हिज प्रोटेजी व्हाट वाज योर फर्स्ट डे ऑन द शूट मतलब कौन सा अगर आप पूरा ना बता सके सीन कैसा था और क्या आपका रिएक्शन मतलब इनएक्ट कैसे कर पा रहे थे वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू व्हाट वाज इट आप ही बताइए आई थिंक डिफिकल्ट से मैं बताता हूं इसने क्या किया था इनने अशोक जी को कहा कि मेरा पहला शॉट जो है सर के बगैर ले लेना अलग से सर का अलग से ले लेना But then later on, I think she did a great job. It was a long scene. I think it was a climax we started shooting with, where she had 3 pages of dialogues and I had half a page of dialogue. उसमें से first 2 minutes तो I think जहाँ मुझे गुस्सा होना है मेरी face ऐसा था क्योंकि मैं जब sir को देखती हूँ ना I was like hi sir and वो and you know like जब आप जानते हो आपके कोई गुरु हैं आपको पता है कि वो कैसे रह चुके हैं it was so difficult for me of course काफ़ी स्ट्रेस था कि मतलब यू नो मोर देन मेकिंग हिम अ लेजेंड और एनीथिंग जो भी है एक गुरु का जो महत्व होता है आपकी लाइफ में आई थिंक सबसे ऊंचे दर्जे पे होता है आपको काफ़ी एंड मैंने तो सर से ही सीखा है तो ऑफकोर्स इट इज़ ट्रू मैंने बोला था कि अलग से मेरा शॉट ले लो क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट शॉट ओनली आफ्टर दैट आई थिंक व्हाट द पीपल हु हैव आई थिंक लर्नड फ्रॉम इट इज़ नॉट दैट दे आर नर्वस दे डोंट वांट टू डिसअपॉइंट द टीचर
that they want to, they're excited basically. I think she's done a great job. Everybody's job is fantastic in the film. Rajesh is very good. Kumud ji jo abhi aaye nahi hai, bahut acha unke sath kaam karke mera pehla scene unhi ke sath tha, bahut acha laga. I must say that this young producer has really stood by Ashok ji. They've really done a great job. We have the youngest assistant director also here, Yash Nanda, who's Ashok ji's son. He was khade pe dikhao the stage pe aage dikhao. He walks also like Ashok sir. Yeah, yeah, Ashok ji ka beta, ye youngest assistant director tha. Isne do teen shot bhi liye hain, isne do teen shot approve bhi kiye hain. So he wanted his name also instead of my name, he wanted his name. इन्होंने अपना कंप्यूटर में इनका ना पिताजी का नाम निकाल दिया था, अपना नाम डाल दिया, डायरेक्टेड बाय यश नंदा. तो थैंक यू. हाँ जी. Yes, please. Anybody else? Yes, sir. मेरा सवाल producer से भी है कि जब अनुपम सर जैसे legend अगर आपके फिल्म में आ जाते हैं, do you think कि जो फिल्म की जो story होती है उसको और एक वजन मिल जाता है, and जो बोलते हैं ना जो character होता है वो, हाँ यही एक actor जो justify कर सकते हैं, in fact उन्होंने और बढ़ा दिया होता है उसका जो ओहदा होता है. What do you want to say? Actually, जब script लिखी गई थी तो खैर साहब को ही दिमाग में रख के लिखी गई थी और उनके अलावा हमारे पास कोई सेकेंड चॉइस नहीं था, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता था. आपने सेकेंड चॉइस के बारे में पूछा था, एड्रेस दे देना मुझे अपना. अच्छा, एक ही जैसा हीरा है दोस्त, और कोई नहीं मेरे जैसा. कोई जस्टिस नहीं कर सकता था. ऑफ कोर्स. थैंक यू. ओके, एक बार मिली मैंने. अनुपम सर, जैसे फिल्म का नाम वनडे है, तो अगर आप किसी एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या उनके विपक्षी दल के बनते हैं तो क्या करेंगे? मैं विपक्षी दल का क्यों बनूंगा भाई? मेरे को किसी ने काटा है क्या? अगर आप पीएम बनेंगे तो क्या करेंगे एक दिन? और जो पीएम है वो सही है मेरे हिसाब से. आई थिंक वो अपना काम बहुत सही कर रहे हैं. मैं एक दिन के लिए अनुपम खेर और हजारों दिनों के लिए अनुपम खेर अच्छा हूँ मैं. इट्स वेरी गुड. मैं 1.25 लाख से एक बिड़ा दूं अब. यस जी. मैं पूछ लूं फिर. अनुपम सर, इज इट डिफिकल्ट टू अप्रोच एन एक्टर ऑफ योर कैलिबर? इज द इजीएस्ट थिंग. कैसे, हाउ डू वी डू इट? लाइक आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड लव टू नो दैट. जस्ट हैव टू हैव अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड ग्रेट पैशन. राइट. आप यू विल दिस आई कैन से इट इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंट द प्रेस. आई हैव वर्कड विद मैक्सिमम फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स एनीबॉडी इन द कंट्री. राइट फ्रॉम आदि चोपड़ा to Karan Johar, to Divakar Banerjee, to Neeraj Pandey, to Ashok. Ashok ne to pehle film banayi hai. Sabki pehli film mein maine kaam, Hotel Mumbai ke jo director the Anthony Maras, aur bhi bahut sari aisi film hai jinke sath maine kaam kiya. Is the easiest thing is to approach me. Right. I just have to like the passion, forget about the script. Right. The passion of the director, because when you are working with a first time director, the first time director gives everything to a film. और उसके बाद फिर डिपेंड करता है वो कितना काम कर सकते हैं. वाज इट दैट इजी फॉर यू टू? मैं थोड़ा वो वेरिफिकेशन चाह रहा हूँ. या क्या करना है मुझे? मेरा पता करना है हरमन डिसूजा का एड्रेस पता करना है. हरमन का ना मैं ईमेल एड्रेस बताता हूँ जितने भी यहाँ भावी डायरेक्टर बैठे हैं मुझे. अच्छा, वन मोर ट्रिविया विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिविया, दैट इन 35 ईयर्स देर इज नॉट बीन ए सिंगल डे, सिंगल टाइम, सिंगल आवर व्हेन आई एम नॉट हैविंग एनी फिल्म in India. This is the first time after one day right now I have no film in India, and still I feel most empowered actor in the world. Superb, superb. This is the first time. This is the in the last 35 years. 25 मई को परसों 25 मई को एक दो चार बंदा मुझे हो जाएंगे फिल्मों में 35 साल. 35 साल. 25 मई 1984 को सारांश रिलीज हुई थी और दो दिन बाद है और 35 साल हो जाएंगे. और इन 35 सालों में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और अब पहली बार ऐसी कोई फिल्म नहीं है, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर फिल्म बनाने वाले सब आ जाओ. आई विल बी बैक इन 1 ईयर्स टाइम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड देन वील स्टार्ट लाइफ ऑल ओवर अगेन. सही है, तैयार है सब लोग, है ना सर? एक चीज, दिस इज फॉर द डायरेक्टर एज वेल एज यू. प्रेस वालों को दूसरी जगह जाना है. हाँ नहीं, ज्यादा टाइम नहीं गुजारा. कि वन डे यू नो, एक वो वेंसडे का भी कहीं ना कहीं कुछ एक वो थोड़ा सा फील आया
You know, so what do you have to say on that? Ashok sir, aapse jana chahunga main. Crime thriller is the common thing between both. Right. Storyline is completely different. Right. Wo aam aadmi aur wohi aam aadmi ka takleef, aam aadmi ko justice milna, all these things. I think you've just answered that. So you'd like to add something to that? No, that's all. I was thinking how to make it different. Physicality wise. So usually when you do the old man's role, aapke kande jhuk jaate hain. In this film, I consciously kept the shoulders back, and it was it's just some small little details. It's not important. Baki sab theek hai piche? Dosto? Kya keh rahe ho? Kiskin? Haan, matlab kaun kaun? Pehli to election, dusri to samajh. Apni film. Haan, saath mein celebrate karenge?